हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं डीएस देखो और सीखो चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज को आप लोगों को बताने वाला हूं कि फोटो का बैकग्राउंड इरेज करके पीएनजी में सेव कैसे करें। चलिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। हाँ तो फ्रेंड्स, फोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, बैकग्राउंड इरेजर। तो इसको डाउनलोडिंग करने के लिए आप चले जाइएगा प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर ओपन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर ओपन हो गया। अब इसमें आप सर्च कीजिए बैकग्राउंड इरेजर। ये देखिए, यहाँ पर नीचे में आ रहा ऑटोमेटिकली, तो इसको हम सर्च करेंगे। ठीक है फ्रेंड, मेरा पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नहीं बता रहा, डायरेक्ट ओपन में जा रहा। तो मैं पहले ओपन कर लूँगा यहाँ से। आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद बीच में देखिए बता रहा है फोटो ओपन करेंगे। यहाँ किसी किसी का आ जाता है फोटो, यहाँ नहीं आने से देखिए, यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड पर थ्री डॉट है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए गैलरी, गैलरी में क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी में क्लिक करके एल्बम में आएंगे, एल्बम में आके अदर्स एल्बम में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर खोजेंगे कहाँ फोटो है, तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर में है। तो यहाँ से कोई भी फोटो जिसको हम बैकग्राउंड इरेज करना चाहेंगे उसको हम ले लेंगे। तो मैं कर लूँगा इसको, ए वाला आ गया यहाँ। उसके बाद ओके कर देंगे, डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा, देखिए शुरू में है एक्सट्रैक्ट, ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, जूम। आप जिसको भी यूज करके आप चला के देख सकते हैं और काट सकते हैं। ऑटो में देखिए, ऑटो में क्लिक किया, उसके बाद एक गोल वाला यहाँ पर ला के रख दिया साइड में, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड इरेज हो गया। ये जो थोड़ा थोड़ा साइड में दिख रहा है उसको मैनुअल करके आप साइड थोड़ा बढ़ा के उसको इरेज कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इरेज कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, इरेज हो गया। जहाँ पर लगता है आपको ज़्यादा इस तरह घुस गया उसको, ये देखिए यहाँ पर सेवन है तीर का सिंह ने, यहाँ पर एक बार दबा दीजिए, फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, गलती से अगर अंदर घुस गया, गलती से बाहर घुस गया, तो इसको आप दबाएंगे, बहुत आसान है फ्रेंड्स, दबाने से पता चल जाएगा आपको। तो हो जाने के बाद इसको पीएनजी में सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा स्मूथ, 1 2 3 4 5, आप किसी को भी रख सकते हैं साइड में, स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आप सेव में क्लिक कर देंगे, फिनिश हो गया फ्रेंड्स। ओके, किसी किसी बैकग्राउंड में अब देखिए, जैसे मैं ए वाला फ़ोटो लेता हूँ, ए वाला फ़ोटो लिया तो इसका देखिए ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नहीं हटेगा सब। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक में दबाएंगे, ये देखिए पूरा नहीं हट रहा। तो इसको ये जितना बाकी छूटा हुआ इसको मैन्युअली करके हम लोग को इरेज करना पड़ेगा इस तरह से, आराम से एक बार चलाने से सीख जाएंगे फ्रेंड, बहुत आसान है। उसको पीएनजी में सेव करके और आराम से एकदम फोटो एडिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड्स आप नए हैं, अगर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इस तरह से हो गया, ऐसे जूम करके भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, एकदम आराम से करना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो यही मुझे बताना था आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।